Very good afternoon to all of you. This is Dr. Ruchi Shigurkar. So today I'm going to share a very, very simple case of neck spasm. So a homeopathic doctor who's a regular patient of mine called me up and said, hey, you know, my neck has gone into a severe spasm. डॉक्टर मुझे इतनी तकलीफ हो रही है ना, मेरा नेक बिल्कुल अटक ही गया है। मैं ना उसको राइट कर पाती हूँ ना लेफ्ट, ऐसे मतलब बिल्कुल जाम हो गया है मेरा नेक और बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। मैंने कॉम्बिफ्लाम ली और सब किया पर बिल्कुल भी हिल ही नहीं रहा है, मतलब ऐसे अटक ही गया है मेरा नेक। तो मैंने बोला अच्छा आपने कॉल क्यों नहीं किया? बोले नहीं मैंने सोचा आपका सैटरडे सेमिनार था तो मैंने सोचा कि आपको क्यों डिस्टर्ब करना। फिर संडे आ गया तो मैंने सोचा मंडे को ही कॉल करूंगी, यू नो। फिर मैंने को पर मेरे को बहुत ही ऐसे हेल्पलेस सा लग रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ और मेरा नेक बिल्कुल अटक गया है। आज मंडे था तो मैंने सोचा आज आपको कॉल करती हूँ। बस इतना ही केस था, सिंपल, कोई मोडालिटीज कुछ कुछ भी नहीं पूछा गया। एंड दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन वर्जन दैट आई सी इन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स। तो मैंने इसीलिए सोचा कि आप लोगों से ये वर्जन शेयर करूं। अब क्या हुआ है, नेक स्पैज़म हुआ है। ये तो एक क्लिनिकल डायग्नोसिस दे सकते हैं या सर्वाइकल स्पैज़म है, ठीक है, पर उसकी इतनी वैल्यू नहीं है टू बी ऑनेस्ट। पर पेशेंट क्या कर रहा है उस स्पैज़म में? पेशेंट को पहली बात बोल रही है बिल्कुल जाम हो गया, मतलब बिल्कुल भी थोड़ा भी मूवमेंट नहीं है, 1 सेंटीमीटर हेयर एंड देयर ऑल्सो नहीं, जैसे अटक ही गया हो। तो इसके लिए हम लेते हैं डिल्यूजन सीज्ड। जब भी ये वर्जन आएंगे बिल्कुल हिलना भी पॉसिबल नहीं है थोड़ा भी, जैसे व्हील होता है ना चक्का जाम हो जाता है वैसे जाम हो गया कुछ, तो हम लेते हैं डिल्यूजन सीज्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूब्रिक है बिकॉज इसमें तीन ही रेमेडीज हैं, तो आपका काम बहुत बहुत सिंपल हो जाता है। तो पहला रूब्रिक मैंने लिया डिल्यूजन सीज्ड। दूसरा वो डॉक्टर क्या बोली कि शी इज सो थॉटफुल कि उसने सोचा कि सैटरडे मैम का सेमिनार है, मैं नहीं कॉल करती हूँ, संडे क्यों डिस्टर्ब करूँ। ये सब चीजें भी बहुत मायने रखती हैं कि पेशेंट आपको कब कॉल करता है। कुछ पेशेंट रात के 2 बजे, आई हैव सीन अ पेशेंट जिसको रात के 2 बजे दांत में दर्द था और मुझे कॉल कर रहा था कि सो दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट पेशेंट, यू नो। ये पेशेंट ने क्या किया, सैटरडे रुकी कि मैम का सेमिनार है वो बिजी होंगी, फिर संडे भी रुकी कि क्यों इतना उसको पेन है और डिस्कम्फर्ट है, फिर भी उसके साथ उसको बहुत सारा पेशेंस है। तो हम दूसरा रूब्रिक जो हमने लिया वो लिया पेशेंस, और थर्ड रूब्रिक दैट वी टू इज हेल्पलेसनेस, मतलब बहुत ही हेल्पलेस फील कर रही है। कॉम्बिफ्लाम ले लिया, सब ले लिया बट बिल्कुल भी दर्द में कम नहीं आ रहा। तो जितने भी लोग ये 3 कॉम्बिनेशन के साथ आपके साथ आए, उसको फॉस्फोरस 200 वाटर डोज दिया 2 दिन के लिए, एंड विद इन अ डे शी द सेम नाइट शी कॉल्ड मी अप एंड सेड ओ मैसेज मी एंड सेड कैन 90% बेटर, थैंक यू। सो ये बहुत ही बहुत कॉमन वर्जन है कि कुछ भी अटक गया है, हिल नहीं पा रहा है, साथ में बहुत हेल्पलेस की फीलिंग होना और इतना दर्द के बावजूद भी ये पेशेंस रखना या दूसरे के लिए इतनी केयर रखना कि अरे वो बिजी होंगी आज नहीं करते कल करिए। अगर आपको ये कॉम्बिनेशन मिले, फॉस्फोरस बहुत बार मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस में ट्राई की है, रियली रियली वर्क्स वंडर्स। सो आप फॉस्फोरस दीजिए, पोटेंसी आप सिवियरिटी और कंप्लेन के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं एंड गिव वंडरफुल रिजल्ट विद इन अ डे, राइट? 2 दिन तक हमने कंटिन्यू करने के लिए बोली एंड शी इज ऑल फाइन। थैंक यू सो मच।